आज की हमारी इस क्लास में हम टैबलू के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं और इसी तरह टैबलू की हम इनिशियल क्लासेस के बारे में बात करेंगे सर्वर एंड टैबलू पब्लिक एंड डैशबोर्ड को कहिए। सबसे पहले आपके पास टैबलू का वर्जन कौन सा है? मेरे पास पब्लिक है लेकिन अभी मैंने 15 डेज के लिए मतलब ट्रायल आपने लिया वो सही है। हाँ, ट्रायल लिया। टैबलू पब्लिक है। चलिए हम आपको पब्लिक के बताते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपकी टैबलू का यूज क्या है, चाहे पब्लिक लीजिए सर्वर लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर इसका बेनिफिट क्या है इसके बारे में जानिए और स्टार्टिंग करने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी होगी इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। Okay. हमने भी टैबलू पब्लिक ओपन किया है और साथ में टैबलू की ओपन कर लेते हैं। और अगर आप टैबलू की ओरिजिनल वर्जन चाहते हैं तो टैबलू का एक वर्जन, ठीक है ना? क्या आपके आवाज में बीच बीच में से ब्रेक हो रही है? टैबलू स्टूडेंट वर्जन। ओके, लेकिन वो तो तब मिलेगा ना जब अकेडमी में कहीं पे। तो वही मैं आपको समझा रहा था क्योंकि हम इंडियन है ना, हम लोग कुछ जुगाड़ निकाल लेते हैं ना। ओके Okay. तो इसके लिए क्या हो कि आपके कोई भी दोस्त या आपके रिलेटिव कोई ऐसा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, जैसे डीयू में पढ़ रहा हो, बस आई कार्ड का फोटो डाल लीजिए और इस पर अपडेट कर दीजिए। आपके ना आवाज बीच बीच में ना ब्रेक हो रही है। हेलो, एक मिनट, लग रहा है आपकी अब इंटरनेट कौन सा यूज कर रहे हैं? मैं इंटरनेट कौन सा यूज कर रही हूँ? कौन सा इंटरनेट यूज कर रहे हैं हम लोग? वाईफाई आपकी स्पीड में प्रॉब्लम लग रहा है। मैं स्पीड में तो स्पीड तो उसकी ठीक है, मैं तो उस पर सब 50 है, 50 स्पीड है उसकी। तो आवाज ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी। ओके बेटर है साउंड में? हाँ, आपकी आवाज तो सही आ रही है लेकिन बीच बीच में से कभी ब्रेक हो रही है। वैसे जब मुझे अगर कहीं पे पहुंचते है ना तो सॉफ्टवेयर पैचेस वगैरह डाउनलोड कर रहा होगा। ओके, तो टैबलू सर्वर आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए आपको बताया कि आपने किसी रिलेटिव किसी कलीग का स्टूडेंट का कार्ड ले लीजिए, राइट? ओके, तो फिलहाल आपके पास नहीं है तो हम टैबलू पब्लिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो टैबलू पब्लिक पर जाते हैं, टैबलू पब्लिक है कि मतलब दोनों में फर्क क्या है, मतलब कि आप अगर लेते हैं टैबलू का प्रो वर्जन पब्लिक वर्जन क्या फर्क है? बस कुछ फीचर्स का फर्क है कि कुछ फीचर्स टैबलू पब्लिक है और नहीं है और उसमें है कुछ। तो एक बार समझिए कि टैबलू वर्क कैसे करता है। वर्जन को फिलहाल छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं टैबलू वर्क कैसे करता है। तो दो चीजें होती है, एक आपके पास यहाँ स्पेस, मैं आवाज नहीं सुनाई दे रही है बीच बीच में, पता नहीं क्या आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चलो अब बात तो आ गई। हेलो, ठीक है। ये आपका टैबलू का डेस्कटॉप है, यहाँ आप डिफरेंट लोकेशन से डेटा को टैबलू में लाते हैं, राइट? डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, चाहे वो सर्वर से हो, किसी वेबसाइट से हो, या डिफरेंट डेटाबेसेस से हो, या फिर आपके नॉर्मल फाइल से हो। यहाँ पे हम अपनी रिपोर्ट को क्विक बनाते हैं, उसके बाद चला जाता है क्लाउड पे, सर्वर पे, ठीक है ना? जहां से आप अपने कई सारे टैबलू यूजर को एक क्लिक पे शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं, उस रिपोर्ट को 500 लोगों को भेजना है। यूज ना करें, एक्सेल यूज करें, एक्सेल में आपको 500 लोगों को रिपोर्ट बना के 500 लोगों को मेल करना पड़ेगा। ओके, पहली प्रॉब्लम ही हो गई। दूसरी प्रॉब्लम होगी अगर आपने इस रिपोर्ट में कोई चेंजिंग की तो अगेन आपको 500 लोगों को भेजना पड़ेगा। यस, बट यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपने रिपोर्ट बनाया, आपने पब्लिश किया, क्लाउड पे गया, बाकी सब पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ओके, आप देखते होंगे बड़े बड़े वेबसाइट्स में डेटा ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है, उसकी ग्राफ चेंज होती रहती है, इससे बना होता है। तो बेसिकली उसी सब चीजों के लिए बना हुआ है। ओके ओके,
अब इसके एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, तो उसके लिए मेरे पास टैबलू की आईडी होनी चाहिए, आप साइन अप कर सकते हैं यहां से आईडी, कोई चार्जेस नहीं है, मैं अपना आईडी साइन अप कर रहा हूं और मुझे याद भी नहीं है कि इसमें है या नहीं है, हर बैच में अलग अलग रखता हूँ। पासवर्ड रिकवर कर लेते हैं, तो पासवर्ड कभी भी इसका रिकवर किया जा सकता है। ओके तो ये पासवर्ड आप मतलब पब्लिक में कर सकते हैं, मतलब साइन अप कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? पब्लिक ही मतलब पब्लिक में, मतलब टैबलू पब्लिक में भी साइन अप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है? हाँ। तो इससे लेकिन शेयर तो नहीं कर सकते किसी को? शेयर कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं शेयर कर सकते? अच्छा, शेयर कर सकते हैं, उसी को शेयर करना जिसके पास टैबलू हो। देखिए हाँ, नहीं हाँ, तो जिसके पास टैबलू की आईडी हो और वेब भी है, जैसे एक रिपोर्ट मान लीजिए हमने टैबलू पर, राइट, मैं एक रिपोर्ट आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो ऐसे रिपोर्ट बने हुए हैं, फिर भी मैं एक रिपोर्ट आपको बना के दिखा रहा हूँ, सिंपल सा रिपोर्ट, ठीक है? ठीक है, जल्दी। तो टैबलू यूज इसीलिए किया जाता है कि एक्सेल के मुकाबले जो है इस पर रिपोर्ट बहुत जल्दी बनती है। तो ये बार डेटा सोर्स आ गया। ओके। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे एक सिंपल सा हमने नेम को लिया और हमने लिया क्वांटिटी, यहाँ पे मेरा देख पा रहे हैं हो गया एक्टिव, ठीक है, सारे चार्ट हैं। हाँ, जो भी चार्ट इस पे इफेक्ट लग सकते हैं वो एक्टिवेट हो गया, बाकी जो ये सारे एक्टिवेट मतलब एक साथ नहीं होते, ये डेटा के अकॉर्डिंग एक्टिवेट होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। ओके, तो मतलब ये खुद चेक कर लेता है कि किस डेटा को कौन सा, हर चार्ट का डेटा इनपुट अलग-अलग चाहिए ना? हाँ हाँ। तो अगर इस डेटा की इनपुट इस चार्ट के लिए एलिजिबल है तो एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं है? अच्छा, मतलब ये खुद ही एनालाइज कर लेता है? जी हाँ, खुद को एनालाइज कर लेता है। ओके, यहाँ पे हम डैशबोर्ड में बना देते हैं सेल्स, दे सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, निचले स्टेज है तो हम यहाँ पे अभी उतना खास नहीं जा रहे हैं। इसके बाद हमने क्वांटिटी को लिया और इसको लेते हैं, वो छोटा दिख रहा है, वो जनरल व्यू में यहाँ पे इंटायर व्यू सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे मार्क लेवल और चार्ट लेते, चार चार्ट लेते हैं, ज्यादा नहीं, साइट वाइज ये सही नहीं है। इसमें हम काम करते हैं और साइट हो गया और मंथ को यहाँ पे ईयर वाइज हो गया ना, मंथ वाइज करना, एक क्वार्टरली रिपोर्ट बन के आ गया है। और एक लास्ट जो है ग्राफिकल बना लेते हैं, सिटी वाइज क्वांटिटी सॉरी, और यहां से मैप ले लेते हैं। मैप जब भी आप लेते हैं तो आपके पास इंटरनेट, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो फिर मैप वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैप उसकी इससे लेता है। ओके ओके, टैबलू से अब यहाँ पे देख रहे 23 अननोन कर दिया, मतलब कि 23 सिटीज बच पा रहा है, ये ओपन स्ट्रीट मैप लेता है।
बस टैबलो की एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि एक पेज पे और एक ही तरह की रिपोर्ट जनरेट करता है। ओके, एक शीट पे एक ही करता है, लेकिन जब हम पूरा डैशबोर्ड बनाना हो। हाँ, तो उसके लिए हमें एक अलग से डैशबोर्ड पे उन सारे शीट को क्लब करना होता है, जो कि अगर इसमें जाए पावर बीआई में ऐसा नहीं है, पावर बीआई में एक ही विंडो पे आप कर सकते हो और बहुत ईजी होता है। अब यहाँ से व्यू को हम बढ़ाते हैं अपने हिसाब से कि आपको किस डिवाइस के लिए चाहिए। विड्थ, अपना विड्थ का साइज बढ़ाता है, डैशबोर्ड विड्थ का, ठीक है। और एक हम वर्टिकल यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं, इसको भी नहीं, पहले का जो ये है ना इसको यहाँ रखता हूँ, उसके बाद मैं वर्टिकल एक यहाँ पे रखता हूँ, दूसरा यहाँ डालना, दूसरा इसी के बगल में यहाँ पे डालते हैं, ये छोटा दिख रहा है, इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से इसको छोटा कर देते हैं। तो मतलब ये जो शीट सामने है मतलब लेफ्ट साइड में, तो इसी को उठा उठा कर ड्रैग कर करके डाल देते हैं। जी हाँ, जी हाँ, और साइज अपने आप से दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें चेंजेस करना हो तो बटन वगैरह पीछे जाकर सीट पे हमें शीट पे करने पड़ेंगे। सीट के अंदर चेंजिंग कीजिए, यहाँ पर अपने आप से मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन जैसे अगर शो करना हो, प्रेजेंटेशन देनी हो, तो हमें बार बार शीट के पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ पे बटन नहीं होंगे। नहीं, क्या चीज का चेंज करना चाहते हैं आप? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने क्वांटिटी ली है, मतलब कोई सिटी लिए, तो मुझे पर सिटी के हिसाब से चेक करना है किसी के साथ। अब उसके फिल्टर लग जाता है ऊपर में। अच्छा हाँ, ऊपर फिल्टर बन जाते हैं ना। जी डैश होता है, ठीक है। हाई टाइटल यहाँ पे, इसको भी हाई टाइटल कर देता हूँ, इसको भी हाई टाइटल कर देता हूँ। मान लीजिए एक रिपोर्ट हमने बना दिया, तो आपने विजुलाइजेशन बड़ी जल्दी तैयार हो गई ना। क्या जी, एक तो आप सर आपके बीच में बार बार ब्रेक हो रही है, मुझे अपना इंटरनेट ही चेक करना पड़ेगा। आज तो चलो आप क्लास दे दो, फिर मैं इंटरनेट अपना चेक करूंगी। ठीक, ये आपका एक रिपोर्ट हमारा चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज और है कि मुझे इस रिपोर्ट को वापस जो है मैप पे भेजना है, इस पे भेजना है, फॉर्मेट नहीं, वेबसाइट पे अपनी जो और अपनी जो वेब सर्वर है उस वेब सर्वर पे इसको भेजनी है। ओके, ठीक है। तो हमने रिपोर्ट बना लिया, अभी रिपोर्ट को बाहर कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। एक तो इसको आप सेव एज टू पब्लिक कर सकते हैं, सेव टैबलू पब्लिक। ओके, लेकिन इसके लिए आपको टैबलू पब्लिक को साइन इन करना पड़ेगा, जो भी अभी मैंने वहां पे किया है ना। हाँ हाँ, साइन इन, तो वो सेम आईडी से यहाँ साइन इन करना पड़ेगा। मैंने इसको साइन इन कर दिया, अब नाम दे दीजिए, जो नाम देना, मैं यहाँ पे इसको डैश और इसको सेव कर देता। कुछ सेकंड लगते हैं, ये आपका हो गया, चला गया। ओके, तो मतलब अगर प्रेजेंटेशन बनानी हो तो हम टैबलू में शो नहीं करते, मतलब हम किस में शो करेंगे? नहीं बोलते, समझा, आपने टैबलू में रिपोर्ट बना ली, आप टैबलू के अंदर ही रिपोर्ट को दिखाओगे तो आप तो चलो दिखा लेंगे, आपके पास है, लेकिन थर्ड पर्सन कोई है उसके पास अगर टैबलू का ना हो तो क्या करेगा? ओके ओके, तो ये तो फाउंडेशन हो जाएगी ना कि हर किसी के पास टैबलू होना ही चाहिए रिपोर्ट को देखने के लिए। क्या अब देखिए आ गया ना मैं रिपोर्ट यहाँ पे। ओके हाँ, मैं इसको व्यू पे क्लिक करता हूँ। अब व्यू पे क्लिक करने के बाद ये रिपोर्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है। अब इस यहाँ पे देखने के लिए आपके पास
टैबलू का होना जरूरी नहीं है, बट टैबलू आईडी होना चाहिए। टैबलू की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल फोन पे भी देख सकते हैं उसको आराम से। ओके ओके देखिए ठीक है, क्योंकि ये ठीक है इंटरनेट पे वर्क कर रहा है। ओके ठीक है ओके, सिर्फ इसका मतलब उसकी आईडी बना दो तो जो कोई भी अपनी आईडी ओपन करके वो देख लेगा उसको लिंक उसको सेंड कर दिया तो ठीक है। लेकिन इसमें अगर जैसे अगर प्रेजेंटेशन का टाइम इसमें अगर हमें जैसे फिल्टर का दिखेंगे इसमें मुझे हाँ, अगर फिल्टर लगाना है सब कुछ दिखेगा इस पर। ओके ओके हेलो सब कुछ दिखेगा। ओके ओके डाउनलोड भी क्लिक करें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये तो डाउनलोड किसमें होगा ये वो ये आपका ये देखिए ना लिखा हुआ है टैबलू के जो TWBX फॉर्मेट में टैबलू की फाइल फॉर्मेट में ही होगी। अच्छा ओके सर अभी आपने पहले क्या बोला मेरा फिर से टैबलू की फाइल जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में होगी। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके एक मिनट टैबलू साइन इन कर दीजिए, ये साइन इन नहीं है। और यहाँ पे आप टैबलू की अगर मान लीजिए कि इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते ही आप अपने टैबलू को डायरेक्ट सर्वर पे भी एडिट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। ओके मतलब जिस लिंक पे आपने भेजा है वहाँ पे डायरेक्ट भी एडिट कर। जी हाँ जी देखिए पूरा टैबलू का सॉफ्टवेयर खुल गया ना यहाँ पे देखिए। हाँ ओके ठीक है ठीक है ना ठीक है। तो ये मतलब अगर कोई एडिट करना चाहे तो अगर जैसे मैंने बनाया कोई एडिट नहीं कर सकता, जिसको एडिट की परमिशन दी जाएगी जो क्योंकि ये तो मैंने बनाया तो मेरे पे है ना। हाँ अभी क्या है कि मेरा प्रो वर्जन नहीं, जैसे ये प्रो वर्जन होगा तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आएगा शेयर का। इसमें किस ऑप्शन आएगा शेयर रिपोर्ट का। शेयर रिपोर्ट का ठीक है ठीक है। तो शेयर रिपोर्ट का जो ऑप्शन आएगा तो उसमें क्या होगा आवाज गई। शेयर रिपोर्ट का जब ऑर्डर आएगा ऑप्शन आएगा क्या है रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं आप। ओके समझे अभी तीन ही ऑप्शन आ रहा है इसको। ओके रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं किसी को जैसे हुआ ना इसको शेयर कर सकते हैं आप। यहाँ से विजिबिलिटी बंद हटा भी सकते हैं कि कोई देख ना सके और शेयर कर सकते हैं ठीक है समझ गए। बट इसके लिए टैबलू का जो ओरिजिनल आईडी है वो होना चाहिए आपको ठीक है। ओके अच्छा ओके उसके लिए वो टैबलू डेक्स होना चाहिए आपके कहने का मतलब। नहीं टैबलू का प्रो वर्जन होना चाहिए आपने जो प्रो वर्जन रखा है तो उस पे आप इसको कर सकते हैं। मतलब प्रो वर्जन और पब्लिक और डेस्क के सब अलग है जो मुझे पब्लिक और डेस्क का तो पता चल रहा है क्योंकि वो वाला है। प्रो वर्जन नहीं समझ आ रहा। प्रो वर्जन मतलब कि इसकी प्रीमियम वर्जन पैसा देने वाली वर्जन। अच्छा अच्छा प्रीमियम वर्जन फ्री है आपको बता रहा हूँ फ्री सिस्टम। हाँ हाँ ये तो फ्री है। ओके हाँ तो उसमें क्या होगा कि आप रिपोर्ट को एक पर्सन से अदर पर्सन पे शेयर कर सकते हैं। ओके ठीक है ठीक है ना। शेयर करने से क्या होगा कि किसी को भी आप इसको दे सकते हैं भाई कोई रिपोर्ट देख सके। ओके ठीक है ठीक है ओके। तो इसमें लिंक बन जाएगी पीडीएफ की लिंक बनाए किसी को आदि दे सकते हैं। ओके शेयर कर सकते हैं तो शेयर विद मी वाले ऑप्शन में से गूगल ड्राइव में तो उसी तरह से उस पे चला जाएगा शेयर विद मी वाले ऑप्शंस के अंदर। ओके ओके ठीक है तो इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। ओके आप मोटा मोटी समझ गए कि हम टैबलू सर्वर को कैसे यूज करते हैं। मतलब कि आपको टैबलू पर इस पे टब्लू की जो साइट है टब्लू की जो डेस्कटॉप वर्जन है चाहे पब्लिक हो या उस पे आपको अपना अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है उसको लॉगिंग करना है अपने टैबलू पब्लिक है जो टैबलू की जो आईडी उस आईडी से और जैसे सबमिट करेंगे वो आपकी उस सर्वर पे चला जाएगा वहां से अपने रिपोर्ट को एज ए लिंक में एज ए अदर सोर्सेज में आप इसको भेज सकते हैं। जैसे कि इसमें भी ऑप्शन है
कि आपने रिपोर्ट को सेव एज सेव डब्ल्यू पब्लिक एज में आते हैं, तो इसमें और भी ऑप्शन आता है। ये पब्लिक फॉर्मेट में सेव हो गया, एकदम लोकल डेस्क पे सेव हुआ। इसमें मेरा और नहीं है, टैबलू का नहीं है, मैं दूसरा वर्जन खोलूंगा ना तो उसमें सब कुछ दिखेगा। इसमें इसको पीडीएफ में भी शेयर कर सकते हैं आप यहाँ से। अच्छा, पीडीएफ फाइल वगैरह, मतलब ये इस फाइल में होगा सारे ऑप्शन, पीडीएफ फाइल है क्या है? जी हाँ, पीडीएफ फाइल में भी इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, पावर पॉइंट वगैरह, ठीक है, पीडीएफ में, पावर पॉइंट में इसको इजीली आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीडीएफ फाइल और पावर पॉइंट और किसी में भी अगर हम शेयर करें तो हमारे फिल्टर उनको वो शो करेंगे, अगर वो अपने फिल्टर के अकॉर्डिंग? फिल्टर का शो करेगा सिर्फ आपकी वेब वर्जन पे या फिर इसकी लिंक पे। ओके, ठीक है, वेब वर्जन पे या फिर हम जो लिंक बनाते हैं। यहाँ पे टैबलू का लिंक, ये मेरा रिपोर्ट बना हुआ है, इसमें किसी को शेयर नहीं है, ठीक है, और बता दीजिए अवेलेबिलिटी हटा दिया। अब ये लिंक, अब इस लिंक को किसी को भी शेयर कर दीजिए, इस रिपोर्ट को हर कोई देख सकता है। जैसे मान लीजिए मैं जाता हूँ, सर आपकी आवाज गई? नहीं, मैं चुप हूँ, अभी आवाज गई नहीं है। अच्छा, ओके, बीच बीच में चुप हो जाता हूँ, जब तक फंक्शन आएगा तो कुछ बोलूंगा ना। और एक चीज और, आप क्या कहते हैं, मुझे जो नोट्स देंगे वो कैसे देंगे, या फिर आप जो भी फाइल बनाएंगे? क्लास लाइव रिकॉर्डेड होगा और उसकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको डेली बेसिस। ठीक है, नहीं एक चीज और, जैसे कि आपने बना लिया तो वो मुझसे शेयर करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि मुझे बोला मेरे टैबियो, मुझे अपना जो साइन अप करना पड़ेगा उस पर आप शेयर कर देंगे? हाँ, तभी तो मुझे आएगा, नहीं तो मैं कहाँ कर पाऊंगा? यहाँ पे मेल कर देंगे आपको, मेल मतलब टैबव्यू का वही लिंक मेल कर देंगे। जैसे भी रिपोर्ट हमने बनाए, अभी जब अपने रिपोर्ट बना लिया, राइट, अब मुझे लीजिए कि थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन को रिपोर्ट देना है, तो इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ इसको आपने कहाँ क्लिक किया मुझे पता ही नहीं चला, किस फीड में क्लिक नहीं किया मैंने। जैसे अच्छा। जब मैंने इसको टैबलू को पब्लिश किया था, सेव एज पब्लिश किया था टैबलू, तो मुझे लिंक खोल के दे दिया था इसलिए। ओके, माय प्रोफाइल में जाके दिखा आपको। अब यहाँ पे मैं कोई साइन अप नहीं हूँ मैं। ओके, मैंने ऐसे ही पब्लिक, क्योंकि मोजिला पे हूँ मैं, मोजिला पे मैंने साइन इन नहीं किया। तो जब टैबलू में आते हैं और टैबलू को शेयर करते हैं ना पब्लिक पे, ट्विटर पे, ओके, तो ये आपके प्रोफाइल में देता है, साथ में आपको एक पब्लिश लिंक देता है, पब्लिक। ओके, अब इस लिंक को जिसको इसको भेजोगे वो आपकी इस रिपोर्ट को देख सकता है। और जब पावर पिवट, जैसे आपको टैबलू में देख सकता है, जैसे फिल्टर की बात कर रहे थे ना, तो मान लीजिए मुझे सारा इंद्र का रिपोर्ट देखना है, जैसे इंद्र क्लिक किया, अब देखिए पूरा चार्ट इंद्र के अकॉर्डिंग फिल्टर्ड हो गया। नहीं, ये क्या कहते हैं, पाई चार्ट तो इंदर के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। नहीं हुआ, हमने क्लिक किया, अभी सारे चार्ट से कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड नहीं किया है ना मैंने। अच्छा, इंटरकनेक्टेड नहीं किया अभी आपने। ओके, आगे चल के इंटरकनेक्ट दिखाऊंगा, पेज फिल्टर हो जाता है। ओके, ठीक है, ओके, जैसे मान लीजिए इस पे क्लिक किया तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो गया। इंटरकनेक्टेड करना पड़ता है, वो इंटरकनेक्टेड आपको बताऊंगा आगे क्लासेस में, तो पता चलेगा। ठीक है, ठीक है ना, तो इस तरह से फिल्टर लगा सकते। मैं बस ये बता रहा हूँ कि इससे फिल्टर अप्लाई की जा सकती है, मैप को जूम किया जा सकता है, बट इसमें पीपीटी में नहीं कर पाएंगे आप, या फिर पीछे। अच्छा, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि फिर डेटा सिक्योरिटी नहीं रही, क्योंकि कोई भी इस लिंक के जरिए मेरे फाइल को ओपन कर सकता है, रिपोर्ट देख सकता है। तो उसके लिए सिस्टम यह है, यहाँ पे दिखा आई का निशान। हाँ, आई का निशान, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो अनविजुअल हो जाएगा, कोई नहीं देख सकता। ओके, कोई नहीं देख, तो इसका मतलब ऐसे तो टैब भी पब्लिक में बहुत सारे बनाओगे। हाँ, बहुत से लोगों ने बनाए होंगे अपने। हाँ, तो लिंक के अकॉर्डिंग चलता है ना, लिंक यूनिक होता है ना। अच्छा, यूनिक लिंक देते हैं।
एक यूनिक लिंक आपको देता है, वो आप अगर जिसको भेजेंगे, होता है क्या नहीं समझे, आपको बताया नहीं आपको मैंने कि अगर आपने एक रिपोर्ट बनाया उसको 500 लोगों को भेजना है, तो 500 लोगों को फाइल भेजने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिंक भेजेंगे, ओके, लिंक पे क्लिक करिएगा, 500 लोग देख लेंगे, योर डेटा अपडेट, योर लिंक ऑल्सो अपडेट। ओके ओके ओके, पता है मुझे बीच बीच में आपके बाद ब्रेक हो रही थी ना, तो आधी सुनाई दे रही थी, आधी सुनाई नहीं दे रही थी, ये प्रॉब्लम थी। ओके और एक चीज और, जब हम साइन अप करेंगे तो हमें एक एक अपना पर्सनल लिंक मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं, आपके कहने का मतलब है? ओके ठीक है ठीक है, अब आ गया समझ में। ओके और एक चीज आपको देखिए, लर्निंग करना है तो आपको टैबलू का पब्लिक वर्जन से ये काम नहीं चलेगा, आपको टैबलू का प्रो वर्जन या फिर स्टूडेंट वर्जन लेना पड़ेगा, तो एक बार स्टूडेंट वर्जन आप ले लीजिए फिर स्टार्ट। स्टूडेंट वर्जन में लेता हूँ, लेकिन मेरे आजू बाजू तो कोई है नहीं जिसको मैं, स्कूल के बच्चों का चलेगा क्या? नहीं, यूनिवर्सिटी का चाहिए। यूनिवर्सिटी का, चलो मैं सर्च मारती हूँ कि है, यानी वैसे मेरे जानने में कोई है नहीं यूनिवर्सिटी का, ट्राई करती हूँ। ठीक है, लास्ट पब्लिक ही सीखना पड़ेगा।